नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं निशा। जिले के अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत डबरा के नेशनल कॉन्वेंट स्कूल डबरा में लायंस क्लब द्वारा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। लायंस क्लब डबरा का यह तीसरा वर्ष है। इस शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व लायंस क्लब के अध्यक्ष पुष्पा अग्रवाल ने नए अध्यक्ष अर्चना मिश्रा को शपथ दिलाई। साथ ही सचिव के पद पर सावित्री चंद्रा और कोषाध्यक्ष पद के लिए रेखा अग्रवाल को भी शपथ दिलाई गई। लायंस क्लब के सभी 15 सदस्यों ने बैच लगाकर एक ही कलर की पिंक कलर की साड़ी पहनकर समारोह में उपस्थित थी और सभी ने मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंस का पालन भी किया। लायंस क्लब के सदस्य के रूप में गीता पटेल, श्यामा तिवारी, पुतली उपाध्याय, शारदा अग्रवाल, उषा खेतान, दशमी पटेल, उषा अग्रवाल, बबली चंद्रा, अंबिका साहू, कल्पना मिश्रा, पूनम सौमित्र और गीता पटेल सहित 15 सदस्यों ने शपथ ली। लायंस क्लब डबरा की नव निर्वाचित अध्यक्ष अर्चना मिश्रा ने कहा कि वे जिम्मेदारी और पूरी निष्ठा के साथ समाज के हितों और जरूरतमंद लोगों की सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है। सदस्य गीता पटेल ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन के 5 सदस्य चुने गए हैं जो अपने दायित्वों के अनुसार स्कूल में जाकर बालिका शिक्षा पर विशेष रूप से कार्य करेंगे। डीएनएक्स टीवी के लिए जांजगीर चांपा से अश्विनी सिंह की रिपोर्ट। नेशनल स्कूल डबरा में हम लोग को शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था। वहाँ अर्चना मिश्रा को अध्यक्ष की शपथ पुष्पा अग्रवाल जी पूर्व प्रेसिडेंट ने शपथ दिलवाई और हमारे सब सचिव, कोषाध्यक्ष और सभी पदाधिकारियों का शपथ दिलवाया गया और हम सबके सहयोग से इसके लायंस क्लब को बहुत ऊंचाई तक आगे लेके जाने का वो कर रहे हैं और सबका मार्गदर्शन और सहयोग की अपेक्षा करते हैं, जिससे कि हम इस डबरा के लायंस क्लब को खूब ऊँचाइयों तक लेके जाएँ और डबरा का नाम रोशन करें। आज हमारे यहाँ नेशनल कॉन्वेंट स्कूल में शपथ समारोह रखा गया, जिसमें हमारे पास्ट प्रेसिडेंट ने हम सबको शपथ ग्रहण करवाया उनके हाथों से। और आज जो है लायंस क्लब का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए हम सब कर्तव्य और अपने निष्ठापूर्वक इस कार्य को करेंगे, ऐसा हमने जो है वचन लिए हैं और शपथ ग्रहण किए हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का भी जो रोल रहता है उसको भी हम लोग यहाँ पर 5 सदस्य चुने गए हैं डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन के लिए, जिसमें मेरा जो है बालिका शिक्षा का है और मेरा उद्देश्य है कि बालिका शिक्षा को प्रमोट करूं और मेरा उद्देश्य यह भी रहेगा कि सभी स्कूलों में जा करके उनका उत्साह वर्धन करूं ताकि हमारा जो है समाज शिक्षित हो सके। और कहते हैं कि जब एक लड़का पढ़ता है तो केवल एक लड़का पढ़ता है और एक लड़की पढ़ती है तो पूरे समाज को वह शिक्षित करती है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के मैंने बालिका शिक्षा का सब्जेक्ट लिया है।